नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक HF डिलेक्स BS6 गाड़ी आई हुई है जो चलने पर झटका लगाती है, और उसका मैंने प्लग भी चेक कर लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं आई है इसमें। चलिए हम इसका इंजेक्टर खोल के देख लेते हैं। पहले आपको आवाज़ चेक कराते हैं कैसी आवाज़ कर रही है। आवाज़ आपने सुनी होगी, चलने पर भी ये झटका लगाती है। चलिए हम इसके क्लप को निकाल लेते हैं, इसे अंदर की तरफ दबाएंगे, इसे बाहर खींच लेंगे। पाइप को अंदर के क्लप को जो है अंदर की तरफ दबाएंगे और बाहर खींच लेंगे इसे। फिर इसको हम इंजेक्टर को खोलते हैं, इसकी देखते हैं तेल की सप्लाई ये सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास जल्द से जल्द आ सके। चलिए हम इंजेक्टर को खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं इंजेक्टर को हमने खोल लिया है, देखिए, और ये देखिए कितना गंदा है, क्योंकि ये तब तक तो साफ तो होता नहीं है जब तक कोई प्रॉब्लम ना करे और ना ही कोई करवाता है इसे साफ, ठीक है। चलिए हम इसे चेक करते हैं, ये पेट्रोल की सप्लाई कैसे सही दे रहा है या कम दे रहा है। चाबी को ऑन करते हैं और किक लगाएंगे तभी चेक होगा, तब तक नहीं होगा। जब किक मारेंगे तभी चेक होगा इसमें सप्लाई कैसी आ रही है। आप देख सकते हैं हमारे हथेली पर, आप देख सकते हैं बहुत ही कम है, देखिए फुब्बारा जो आ रहा है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर फुब्बारा है। इसे हम खोल के और कैदी से साफ़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे पेट्रोल सप्लाई बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, नहीं तो फिर इसे चेंज करना पड़ेगा। चलिए हम पहले साफ़ कर लेते हैं इसे खोल के। आप देख सकते हैं पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, ठीक है। हमने इसे साफ़ करके लगाया है और पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। चलिए अब हम इसे कंप्लीट करते हैं, और आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और देखते हैं गाड़ी हमारी साफ़ चलती है या नहीं चलती है। गाड़ी इसे हमने कंप्लीट कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने कस लिया है। अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गाड़ी हमारी साफ़ चल रही है या नहीं चल रही है। चलिए गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं।